हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास एट ज्योग्राफी चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का थर्ड और लास्ट पार्ट करेंगे आज हम लोग का पार्ट थर्ड है पार्ट थर्ड में हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इनर्जी को डिस्कस करेंगे किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम मिनरल्स एंड इनर्जी रिसोर्सेज है तो ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो या पावर रिसोर्सेज हो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है उसके सारे मटेरियल्स सेम हैं तो आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट करेंगे अब तक हम लोगों ने इसके दो पार्ट किए हैं पार्ट वन में मिनरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स वर्ल्ड वाइड डिस्कस किया था पार्ट टू में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ़ मिनरल्स इन इंडिया डिस्कस किया पार्ट टू में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मिनरल्स इन इंडिया को डिस्कस किया कि इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस किया कि मिनरल्स का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है क्यों ज़रूरी है पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस किया और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी को डिस्कस किया जिसमें कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीजें थी आज हम लोग पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड में हम लोग नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इनर्जी डिस्कस करेंगे इनर्जी जेनरेटेड बाय यूजिंग विंड सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टाइड्स, जियोथर्मल हीट बायोमास इज नोन एज नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इनर्जी जो भी अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया जाए वो सब कुछ मॉडर्न तरीका है और ये नॉन कॉन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत सोर्स ऑफ इनर्जी भी बोलते हैं या सोर्स ऑफ पावर भी बोलते हैं तो इस तरीके से वो सब कुछ जैसे कि विंड एनर्जी का इस यूज करना सोलर इनर्जी का यूज करना हाइड्रो यानी टाइट्स का यूज करना सी वाटर्स का यूज करना जियोथर्मल हीट का यूज करना या बायोमास का यूज करना और इसके थ्रू मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना सब कुछ हमारे लिए एनर्जी रिसोर्सेज और इन सभी को ही हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं क्योंकि हजारों साल से सैकड़ों साल पहले हम इसको इस्तेमाल नहीं करते थे और ये बिल्कुल नया तरीका है एनर्जी का और ये बिल्कुल एफिशिएंट तरीका है इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है और इसमें एनर्जी ये सारे एनर्जी इन इनएस्टिबल भी है इनएगजॉस्टिबल का मतलब कि ये कभी बर्बाद नहीं होते हैं कभी समाप्त नहीं होते हैं तो इस तरीके से ये सारे सोर्सेज ऑफ इनर्जी को हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं दीज रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल सोर्सेज एंड डू नॉट काजेज इन्वायरमेंटल इशूज़ ये रिसोर्सेज पहली बात तो रीनूएबल सोर्सेज हैं यानी कि हर दिन हमेशा रिन्यू होते रहते हैं दूसरी बात ये बताई गई कि इससे किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल इशू नहीं होता इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है सोलर एनर्जी तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग सोलर एनर्जी को डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट के हीट को उसके लाइट को ट्रैप करने के लिए सोलर सेल्स का यूज किया जाता है वही बताया गया है यहाँ पे कि सोलर सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए दीज सेल्स ज्वाइंड इन टू सोलर पैनल्स टू जेनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज ये सारे सोलर सेल्स अलग अलग जगह पर ज्वाइंट होते हैं ठीक है ज्वाइंड होते हैं और ये एक पैनल सोलर पैनल में लगे होते हैं और इन्हीं के थ्रू सोलर हीट और लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके थ्रू अलग अलग हीट इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के पर्पस को इंसान पूरा करता है जैसे इस इस सोलर इनर्जी से हीटर्स भी चलाए जाते हैं कुकर सोलर कुकर्स भी होता है जिससे खाना बनता है सोलर ड्रायर्स भी यूज किया जाता है लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज किया जाता है तो हर एक जगह इसका इस्तेमाल है हीटर्स कूलर्स ड्रायर्स लाइटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स ईटीसी, ठीक है सोलर एनर्जी के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज को हम लोग देख लेते हैं जैसे यहाँ पर बोला गया कि ये इनएग्जॉस्टिबल है सोलर एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होता है हर दिन ये रिन्यू हो जाता है नॉन पॉल्यूटिंग है इससे किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है इसका डिसएडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी का इसका डिसएडवांटेज है कि इसके जो सोलर पैनल्स हैं और जो सेटिंग्स है इंस्टॉलेशन वो सब कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो एक बार इसका इंस्टॉलेशन परचेज करके एक बार इंस्टॉल कर लेना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो इसका डिसएडवांटेज है लेकिन उसके बाद ये सोलर एनर्जी यूज करना काफ़ी चीप होता है सस्ता होता है पिंड एनर्जी विंड मिल्स हैव बीन यूज इन इट ये बहुत खुले एरियाज में बहुत बड़े बड़े पोल्स पे बहुत बड़े बड़े साइज़ में विंड मिल्स लगाए जाते हैं और वो विंड मिल्स विंड की वजह से मूव करते हैं उनके चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर ट्रांसमिट करके होम या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियस यूज़ के लिए लिया जाता है द हाई विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े जो विंड मिल्स के जो विंड्स हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं तो ये कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से और इस तरीके से जब विंड्स चलते हैं मूव करते हैं तो जनरेटर मूव करता है जनरेटर में पावर जनरेट होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम और सब लोग इस्तेमाल करते हैं विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड इसके इस विंड एनर्जी को यूज़ करने के लिए कौन कौन से देश ज़्यादा फेमस हैं तो नीदरलैंड जर्मनी डेनमार्क यूके यूएसए स्पेन एबंडेंटली विंड मिल्स के थ्रू विंड फार्म्स बड़े होते हैं और वहां पे इसका इस्तेमाल होता है आइए अब हम देखते हैं कि विंड एनर्जी के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं पहला एडवांटेज कि नॉन पॉल्यूटिंग होता है विंड एनर्जी से किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है ये सेफ भी है और क्लीन भी है दिस इज सेफ एंड क्लीन एनर्जी लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस इंस्टॉल्ड एक बार इसको भी इंस्टॉल कर लेना थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी लो कॉस्ट का होता है डिसएडवांटेज इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं तो पहला डिसएडवांटेज है नॉइज पॉल्यूशन इससे बहुत ज़्यादा आवाज आता है दूसरा विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप इसका इंस्टॉलेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉस्टली होता है जो रेडियो और टी वी रिसेप्स हैं उसका सिग्नल आने में उसका सिग्नल पकड़ने में थोड़ा कमजोर हो जाता है जहाँ विंड एनर्जी यूज किया जाता है हार्मफुल टू बर्ड्स बर्ड्स के लिए ये विंड एनर्जी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है थर्ड न्यूक्लियर पावर इट इज ऑप्टेंड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लिय ऑफ नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम थोरियम बोला गया कि यूरेनियम और थोरियम जो ने, नेचर में मिलता है उसके थ्रू उस रेडियो एक्टिविटी के बाद एटम्स में जो न्यूक्लाई होता है उसके एनर्जी को यूज किया जाता है और ये कैसे होता है तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दो तरह के चीजें हैं तो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उसके वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये पावर जनरेट होता है और उसी पावर को ट्रांसमिट करके इंडस्ट्रियस या डोमेस्टिक यूज के लिए सप्लाई किया जाता है इसमें बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर में एग्जाम्पल यूएसए एंड यूरोप यूएसए और यूरोप में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है इन इंडिया इट्स डिपॉजिट्स आर झारखंड राजस्थान भारत में यूरोनियम के डिपॉजिट्स राजस्थान और झारखंड में पाए जाते हैं थोरियम इज फाउंड इन केरला मोनोजाइट सैंड केरला के सी एरिया कोस्टल एरिया में जो सैंड मिलता है वो मोनोजाइट सैंड होता है और उस मोनोजाइट सैंड में थोरियम के बहुत ज़्यादा मात्रा अंश पाए जाते हैं तो इंडिया में थोरियम का डिपॉजिट्स केरला के मोनोजाइट सैंड्स में मिलता है और यूरेनियम के डिपॉजिट्स झारखंड और राजस्थान में मिलते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया इंडिया में अलग अलग न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ हैं तो तमिलनाडु के कलपक्कम में है तारापुर के महाराष्ट्र में हैं राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान में है यूपी के नरोरा में है कर्नाटका के कैगा में है ये भारत के न्यूक्लियर स्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं इस न्यूक्लियर पावर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर पावर के थ्रू बहुत लार्ज एनर्जी एमिट होता है उसका काफ़ी कम मात्रा ही हम आज के डेट में इंडियन टेक्नोलॉजी के थ्रू इस्तेमाल कर पा रहे हैं और बाकी बहुत सारा परसेंटेज वेस्ट हो जाता है तो हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अच्छी होगी और हम इस प्रोड्यूसड न्यूक्लियर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में डिसएडवांटेज क्या है जेनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट इसके थ्रू रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है और उसको यदि सही तरीके से नहीं डिस्चार्ज किया जाए तो उससे लैंड डिग्रेड हो जाएगा उससे एयर में पॉल्यूशन हो जाएगा उससे वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाएगा तो लैंड वाटर एयर तीनों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को ज़मीन में बहुत नीचे सही तरीके से ख़त्म किया जाता है जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है इस ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इसको इंस्टॉल करना इसके सारे पावर्स को प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना इसमें लोगों को एम्प्लॉयड रखना उनको सैलरीज वगैरह ये सब कुछ बहुत कॉस्टली होता है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है तो इस तरीके से हर चीज़ को संभालने के लिए जो खर्च होता है उसी की बात यहाँ एक्सपेंस में की गई है तो न्यूक्लियर एनर्जी है तो बहुत पावरफुल क्लीन एनर्जी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पॉइंट नंबर फोर जियो एनर्जी इनर्जी अब हम लोग जियो एनर्जी इनर्जी का बात करेंगे हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ के कोर में मैग्मा है लावा है और वो काफ़ी ज़्यादा हीट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो उसी अर्थ के थर्मल पावर को यूज़ किया जाएगा इस जियो एनर्जी में द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज इस टीडली एज गो डीपर यहाँ इस पॉइंट में बताया गया कि अर्थ में जितना डीप हम इंटर करेंगे जितना डीप हम जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा समटाइम्स दिस हीट इनर्जी में सरफेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स यूज टू जनरेट पावर कभी कभी इस हीट इनर्जी का इस्तेमाल हम जनरेट करते हैं पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और इस हीट एनर्जी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो वाटर्स के अलग अलग सोर्सेज हैं वो हीटेड होते हैं फिर वहाँ से एवॉपरेशन होने लगता है बहुत ज़्यादा तो उसी एवॉपरेशन का इस्तेमाल इस थर्मल जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है इसमें भी टर्बाइंस होते हैं वो सारे टर्बाइंस उस जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से जो वाटर का सरफेस गर्म होता है और उसमें जो वेपर निकलता है वाटर वेपर उस वाटर वेपर की वजह से वो सारे टर्बाइंस चलते हैं और उस टर्बाइन से जुड़े हुए जेनरेटर्स कनेक्टेड होते हैं टर्बाइंस के चलने की वजह से जेनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को डोमेस्टिक या इंडस्ट्रिय यूज में काफ़ी आसपास के एरिया में ट्रांसमिट करके पहुँचाया जाता है तो उसी जियो एनर्जी की बात हो रही है एग्जाम्पल ज इन कुकिंग हीटिंग एंड बाथिंग इस जियो एनर्जी का यूज ज्यादातर कुकिंग के लिए या हीटिंग या बाथिंग के लिए किया जाता है यू एस ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स इस जियो थर्मल इनर्जी के बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं वो यूएसए में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूजीलैंड आइसलैंड फिलिपींस सेंट्रल अमेरिका ये वो अलग अलग देश हैं जहाँ पर जियो थर्मल इनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन इंडिया हिमाचल प्रदेश मणिकरण इन भारत में मणिकरण हिमाचल प्रदेश में एक ये प्लेस है जहाँ पे इस जियो थर्मल इनर्जी का यूज़ किया जाता है उसका यूज इस तीनों में किया जाता है कुकिंग हीटिंग एंड बाथिंग तीनों में मणिकरण में यूज होता है लद्दाख के पुगा वैली में यूज़ होता है यहाँ भी हीटिंग कुकिंग और बाथिंग के लिए ये जियो थर्मल इनर्जी का यूज़ किया जाता है इस जियो एनर्जी इनर्जी का हम लोग कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं एडवांटेज ये एक क्लीन एनर्जी है यानी जियो एनर्जी इनर्जी से किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है ये इको एक एक फ्रेंडली एनर्जी है इको फ्रेंडली का मतलब कि ये पर्यावरण के लिए हर तरीके से सुरक्षित है और इससे पर्यावरण को हमारे एन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है इसका डिसएडवांटेज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ ये जो भी जियो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है वो शहर से बहुत दूर होता है इसलिए सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट इट इसलिए इसको हम जब ट्रांसमिट करके शहर तक लाते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है इसलिए ये जियोथर्मल एनर्जी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर फाइव हम लोग टाइडल इनर्जी की बात करेंगे टाइट्स भी दो तरह के होते हैं लो टाइड्स और हाई टाइट्स लो टाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा टाइडल एनर्जी में किया जाता है इसमें भी लो टाइड्स बराबर कोस्टल एरिया में आते रहते हैं टाइड एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर डैम्स बना दिए जाते हैं और डैम्स के थ्रू क्या होता है कि जब टाइड्स उस डैम को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो पानी वापस कोस्टल एरिया में सी की तरफ वापस लौटता है तो वहाँ पर नैरो ओपनिंग्स बनाया जाता है स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे होल बना दिए जाते हैं और उसी में टर्बाइंस लगा दिया जाता है टर्बाइंस जनरेटर से कनेक्टेड होता है जब लो टाइड उस डैम को क्रॉस करके पार हो जाता है तब उसका पानी उसी छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू जिसमें कि टर्बाइंस और जनरेटर्स लगे होते हैं उससे वापस लौटता है कोस्टल सी एरिया में और उसकी वजह से उस वाटर के लग लौटने की वजह से टर्बाइंस चलते हैं उन टर्बाइंस के चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स के थ्रू जनरेट होता है और उसी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को फिर ट्रांसमिट करके डोमेस्टिक या इंडस्ट्रीज यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरीके से लो टाइड्स बराबर कोस्टल एरियाज में आते हैं इंडिया में ये कहाँ प्रोड्यूस होता है तो इंडिया में ये गुजरात के कच्छ में इसका यूज किया जाता है वर्ल्ड में रसिया और फ्रांस इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रांस वर्ल्ड में पहली बार टाइडल इनर्जी प्रोड्यूस किया था ठीक है इस टाइडल एनर्जी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं एडवांटेज ये भी नॉन पॉल्यूटिंग है इससे किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता है दूसरा चीज़ कि ये भी इनएग्जॉस्टिबल है यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है हम इसका कितना भी खुलकर लापरवाही से किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें टाइट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे जब तक सी है जब तक कोस्टल एरिया है जब तक हवाएं हैं विंड है तब तक ये टाइट्स आते रहेंगे और टाइट्स आते रहेंगे तो इस टाइट्स से टाइडल एनर्जी जेनरेट होता रह सकता है तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगा इनएक्जॉस्टिवल है इसके कुछ डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन के थ्रू मैन मेड डैम्स बना दिए गए और मैन मेड डैम डैम्स बन जाने से थोड़ा सा जो भी सी से रिलेटेड एनिमल्स हुए या फिर जो आसपास के एरिया में जो कोस्टल जानवर हुए वो उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है डिफिकल्ट टू हार्नेस इसका ज्यादा से ज्यादा भरपूर इस्तेमाल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो आती है बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स किचन वेस्ट कन्वर्टेड इंटू अ गैशियस फ्यूएल कॉल्ड बायोगैस बोला गया कि बहुत तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट उन सब का इस्तेमाल करते हैं हम इस बायोगैस को बनाने में जेनरेट करने में तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो जैसे डेड प्लांट्स को यूज कर लिया गया एनिमल्स और मटेरियल्स को यूज कर लिया गया जैसे कि उनके डंक्स को यानी कि गाय भैंस या जो कुछ भी है जानवर लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग में उन सभी के डंक्स को यूज किया गया किचन वेस्ट यूज कर लिया गया जो जो कुछ भी कुकिंग के दौरान किचन वेस्ट जनरेट हुआ उसको भी हम इस बायोगैस को जनरेट करने में इस्तेमाल कर लिए या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्रीकल्चरल वेस्ट जो कुछ भी जनरेट हुआ प्रोड्यूस हुआ उन सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी हम इस बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि ये गैसियस फॉर्म में ड्रेड हो जाता है और उससे बायोगैस जेनरेट होता है द ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू और बैक्टीरियन एक्टिविटी के थ्रू जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसके थ्रू दो तरह के गैस एमिट होते हैं एक मीथेन और दूसरा सीओ टू ठीक है और इसी मीथेन और सीओ टू को ही यूज किया जाता है कुकिंग में लाइटिंग में या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया जाता है और उसका इस्तेमाल फर्टिलिटी को सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है इस तरीके से बायोगैस के थ्रू भी कुकिंग लाइटिंग या फिर मैन्योर को प्रोड्यूस किया जाता है और ये सब कुछ डोमेस्टिक यूज किया जाता है इसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज को देख लेते हैं एडवांटेज ये लो कॉस्ट पे अवेलेबल है बायोगैस में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है इजी टू ऑपरेट इसको ऑपरेट करना आसान है मेक यूजेज ऑफ बायो वेस्ट एज मैन्योर इसका मैन्योर के रूप में यूजेज होता है जिससे कि फर्टिलिटी बढ़ जाती है इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन एंड सी ओ टू ये सी ओ टू और मीथेन को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वैसे तो हम लोग उसका इस्तेमाल कुकिंग लाइटिंग और मैन्यूअर प्रोडक्शन में भी कर रहे हैं लेकिन ये दोनों गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए आप सभी वंडरफुल स्टूडेंट्स के लिए आपका ये लाइक कमेंट मेरे लिए एक इनकरेजमेंट होता है फर्दर और वीडियो बनाने में थैंक यू